आप दुनिया के बारे में जितनी भी जानते हैं वो सब भूल जाइए, हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटी है, हमारे देश भूल ही जाइए क्योंकि नक्शे हमसे झूठ बोल रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और कुछ जीव जो एक समय बहुत ही बड़े हुआ करते थे वो बाथटब के खिलौने जितने हैं। आप सब खुद के दिमाग के दरवाजे खोल के तैयार हो जाइए क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमारे दिमाग ने कुछ और ही समझ लिया है। आज दुनिया में लगभग 7.8 अरब लोग हैं। अगर हम आप और बाकी सब लोगों के 19,000 बच्चे भी हुए तो भी पृथ्वी पर हम सब आसानी से रह पाएंगे। शॉकिंग है ना? जानता हूँ, हमारे लिए पृथ्वी सबसे बड़ी चीज है जिसे हम छू सकते हैं और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए हमें 45 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी को इस गर्म गैस के बॉल मतलब सूरज से कंप्रेस करते हैं तो हमारी पृथ्वी हाथ के मैल के बराबर है। सूरज हमारे सोच से बहुत ही बड़ा है। सूरज लगभग 14,00,000 किलोमीटर लंबा है। अभी आप 2D में देख रहे हैं और इस 2D इमेज के हिसाब से सूरज में 109 पृथ्वी बैठ सकती है, लेकिन 3D में हमारे सूरज के अंदर 13,00,000 पृथ्वियां बैठ सकती है। सो अभी आप समझ ही सकते होंगे कि हमारी सोच और असलियत में कितना ज्यादा अंतर रहता है। फिर भी इसे समझना काफी मुश्किल होगा क्योंकि हमने पृथ्वी को पूरी तरह से कभी नहीं देखा, इसलिए हम आपको एक 360 फीट लंबे ग्राउंड के जरिए कंप्रेस करके बताने वाले हैं। अगर हम इस ग्राउंड को स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे 116,000 ग्राउंड को मिलाने के बाद ये सिर्फ पृथ्वी के डायमीटर पर ही बैठ सकते हैं, और ऐसा 109 बार और करेंगे तब हमें सूरज की डायमीटर मिलती है। सूरज फिर भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही भारी भी है। सूरज पृथ्वी से 3,30,000 ज्यादा गुना भारी है। लेकिन हम सूरज के तरफ देखते हैं तब हमें इतना छोटा क्यों लगता है? हम इसे मिलने वाले गर्मी को महसूस कर सकते हैं और रोज हम इसे उगते हुए और डूबते हुए भी देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सूरज हमसे बहुत ही नजदीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, असलियत में हमें यहाँ सिर्फ उड़कर जाने में ही 19 साल का समय लग जाएगा। अगर हम थोड़ा और सोचते हैं तो पता चलता है कि सूरज भी बहुत ही छोटा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का वजन सूरज से 890 करोड़ गुना ज्यादा है। आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग कभी कभी हमें गलत इन्फॉर्मेशन बता लेता है, इसलिए कभी कभी कुछ चीजें हमें ज्यादा ही नजदीक लगती है। लेकिन हमारा दिमाग ये एक ही चीज नहीं है जो हमें बेवकूफ बनाती है। दुनिया के नक्शे में भी हमें बेवकूफ बनाना सीख लिया है। रशिया बहुत ही बड़ा और चाइना भी, अमेरिका भी बहुत ही बड़ा है, अल्जीरिया छोटा लगता है और जापान बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन हम सब गलत तरीके से इसे देख रहे हैं। भाई और बहनों, ये एक 2D मैप है और आप ही सोचिए कि एक 2D मैप दुनिया को पूरी तरह से कैसे दिखा सकता है? असलियत में दिखा ही नहीं सकता। हाँ, अगर पृथ्वी गोल की जगह सीधी होती तो अलग बात है। जापान बहुत ही छोटा नहीं है। अगर हम इसे ग्रीनलैंड से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि इस दोनों की लंबाई एक जैसी है, और अल्जीरिया अलास्का जितना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जितना बड़ा है, और दुनिया के मैप में दिखने वाला छोटा सा आइलैंड मादागास्कर को अगर हम हमारे भारत के साथ कंपेयर करते हैं तो वो भारत के एक छठे हिस्से जितना बड़ा है। अगर ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ जमीन और ग्रहों के साइज में ही गड़बड़ नहीं है, जंगलों में रहने वाले जानवरों की भी खुद की अलग कहानी है। आप सबके इमू और कांगारू के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हमारा मोस्ट डेंजरस बर्ड अराउंड द वर्ल्ड नाम का ये वीडियो पूरा देख लेना, ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। कांगारू काफी लंबे और बहुत ही बड़े हो सकते हैं। आप रॉजर द रिफ नाम के इस कांगारू का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक और ऐसा जानवर है जो आपके सोच से भी बहुत बड़ा है। इस जानवर का नाम है वॉम्बैट। काफी क्यूट और छोटा है ना? वेल नहीं, इसका इंसान के साथ एक फोटो देख लीजिए और बताइए कि आप शॉक हुए या नहीं। इस क्यूट क्रिएचर का वजन 41 किलो तक रहता है, जो 13 साल के एक एवरेज इंसान जितना है। इसके साइज में बराबरी करने के लिए आपको 2 बड़े कुत्ते की जरूरत लगेगी या फिर 10 बड़ी बिल्लियों की। अगर इस फैक्ट से आप सरप्राइज हुए तो लाइक तो बनता है ना दोस्त। और अगर आपने वॉम्बैट को पहली बार देखा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको तो पता है कि बैट कितनी खतरनाक हो सकती है। जरा कोविड का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। ये एनिमल हमें छोटा इसलिए लगा क्योंकि हमने इसे अभी देखा ही नहीं है, और अगर टीवी पर देखा होगा तो भी हमारे पास इसके असली साइज को दूसरे से कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब कोआला और कांगारूस की बात आती है तो हमें ये बहुत सारे जू में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें कोआला और कांगारू बड़े लगते हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये वॉम्बैट बड़े क्यूट है।
हमारा अगला एनिमल क्यूट कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन बहुत बड़े साइज वाले कैटेगरी में जरूर आता है। इसका नाम है क्वेट्ज़ाओ आतुलस नॉर्थोपी। बहुत ही अच्छा नाम है नहीं। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर है। इसका वजन लगभग 200 से 250 किलो के बीच में रहता है और इसके पंख 45 फीट तक फैल सकते हैं। इन पंखों की साइज आज तक के सबसे बड़े बर्ड रॉयल अल्बाट्रॉस से 4 गुना ज्यादा लंबे है। जब ये बर्ड जमीन पर चलते हैं तब इनकी हाइट 16 फीट मतलब 5 मीटर तक रहती है। इनकी हाइट आज के पैलेसियन बर्ड से 4 गुना ज्यादा है। इनकी हाइट से सबसे नजदीकी जानवर जिराफ है। अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगता, लेकिन अगर इन्हें किसी इंसान के बाजू में रखते हैं तो किसी की भी फट तो जरूर जाएगी। अच्छा है कि ये बर्ड आज एग्जिस्ट नहीं करता। पेलियंटोलॉजिस्ट मार्क विटन का मानना यह है कि ये बर्ड 16,000 किलोमीटर का अंतर बिना रुके आसानी से तय कर सकते थे। मतलब अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी बीच में बिना आराम लिए। लेकिन ये विशाल पंछी 6,60,00,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है और आपको ये देखने को भी नहीं मिलेंगे सैडली। हमारा अगला टॉपिक इस बर्ड जितना पुराना तो नहीं है, पर ये बहुत सालों से चर्चे में है और काफी पुराना भी है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। माचू पिचू और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत ही पुराने हैं, लेकिन ये दोनों भी नए दुनिया में अजूबे हैं। यहाँ हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की बात कर रहे हैं। प्राचीन दुनिया की यह इकलौती ऐसी चीज है जो आज तक हमारे सामने खड़ी है। आज गया था मैं प्राचीन इजिप्ट के कुल 80 पिरामिड के बारे में पता है, लेकिन उनमें से सबसे फेमस है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे साल 2560 BC में बनाया गया था। इसकी लंबाई 456 फीट मतलब 139 मीटर है। इस पिरामिड की बराबरी करने के लिए आपको 76 सिद्धार्थ मल्होत्रा की जरूरत गिरेगी। विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस टूरिस्ट ने निकाली इस फोटो को ही देख लीजिए। ये पिरामिड बिग बेन क्लॉक और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इन दोनों से भी बहुत बड़ा है। हम सब ने द ग्रेट गिजा पिरामिड को कभी असलियत में नहीं देखा है और टूरिस्ट को उनके दोस्तों को और फैमिली को फोटोज दिखाने के लिए ये फोटोज और वीडियोस बहुत दूर से वो निकालते हैं, जिससे पिरामिड बहुत ही छोटे लगते हैं। हमारा अगला फैक्ट अद्भुत और पूरे नसीब वाले टाइटैनिक पर है। जिनके आंखों में टाइटैनिक मूवी देखते वक्त आंसू नहीं आए, उन्हें पता ही होगा कि टाइटैनिक समुद्र में सफर करने वाली 1942 की सबसे बड़ी शिप है, लेकिन बाद में ये आइसबर्ग से टकरा कर समुद्र में डूब गई थी। लेकिन पानी में डूबने से पहले इस शिप की लंबाई 842 फीट मतलब 269 मीटर थी और ये 3,547 लोगों को शिप में एक साथ कैरी कर सकती थी। ये शिप सच में बहुत ही बड़ी थी और वो भी 100 साल पहले के समय में। टाइटैनिक की ये घटना इतनी दुखद थी कि हमें लगा कि इस घटना के बाद कोई भी इससे बड़ी शिप बनाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बढ़ते टेक्नोलॉजी को आखिर कौन रोक सकता है। सिम्फनी टाइटैनिक से हाइट से और विड्थ में 2 गुना लंबी और 2 गुना चौड़ी है। इसमें एक साथ 8,461 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। अगर अब आपको टाइटैनिक छोटी या फिर सिम्फनी बड़ी लग रही होगी तो ये जान लीजिए कि ये दोनों शिप असलियत में बहुत ही बड़ी है। हमें हर बार दुनिया के अजूबे या फिर बड़े शिप से चौंकाते नहीं है, कभी कभार रोज दिखने वाले चीजों की साइज भी हमें चौंका सकती है। आप रोड साइन का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। आप सब में से किसी ने कभी ड्राइविंग करते वक्त सोचा ही होगा कि ये रोड साइन यहाँ आया तो आया कहाँ से। असलियत में इन्हें बहुत ही बड़े फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और ये रोड साइन असलियत में बहुत ही बड़े होते हैं। रोड पर ड्राइविंग करते वक्त हमें ये बहुत ही छोटे लगते हैं, क्योंकि हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इन्हें बड़े तेजी से क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ही दूर से देखने के लिए बनाया जाता है, इसलिए जब भी आप इन्हें नजदीक से देखोगे तब आपको ये बहुत ही बड़े लगेंगे। इसे देखकर आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि हमें आखिर कहना क्या है। रोड पर दिखने वाले 2 या फिर 2 से ज्यादा लेन वाले साइन बोर्ड की साइज आसानी से 25 फीट से ऊपर रहती है। यहाँ तक कि एक लेन वाले साइन बोर्ड की साइज बहुत ही सारे कार से बड़ी होती है। क्या आपको पता है कि इन रोड साइन का कलर हमेशा ग्रीन की होता है, क्योंकि रात को ड्राइविंग करते वक्त लोगों को ग्रीन कलर आसानी से दिखता है और ये ज्यादा ध्यान भी नहीं खींचता। अभी हम सीमेंट के जंगल से असली जंगल में जाने वाले हैं। सबसे पहले हम जंगल के असली किंग गोरिल्ला की बात करने वाले हैं। हम सबको पता ही है कि असलियत में गोरिल्ला
चिंपांजी और बबून से बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन गोरिल्ला की असली साइज जानकर आप सबको शॉक लगने वाला है। खास तौर पर इटन लोलैंड गोरिल्ला, ये स्पीसीज गोरिल्ला के सारे स्पीसीज में सबसे बड़ी होती है। इनका वजन एवरेज इंसान से 2 गुना ज्यादा रहता है, और जब ये दोनों पैरों पर खड़े होते हैं तब इनकी हाइट जॉन स्नो से भी ज्यादा रहती है। जरा इनके बड़े हाथों की तरफ देखिए, लेकिन इनकी साइज हमारे सोच से इतनी ज्यादा क्यों है? वेल, आपने कभी गोरिल्ला को असलियत में देखा है? नहीं ना, इसलिए ये इतने छोटे लगते हैं। और अगर आपने इन्हें कभी जू में या फिर जंगल में देखा भी होगा तो भी ये आपकी तरफ पीठ दिखाकर सिकुड़ के बैठे होंगे या फिर चारों पैरों पर चल रहे होंगे। अब हम पानी के अंदर एक बहुत ही बड़े और खतरनाक एंगलर फिश की तरफ जाने वाले हैं। आपने इसे फाइंडिंग नीमो नाम की मूवी में जरूर देखा होगा। एंगलर फिश समुद्र के गहराई में रहती है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। इसी कारण की वजह से इंसान इन्हें कभी असलियत में देख नहीं पाते। इनके फोटोज को जनरली सी ड्राइवर्स या फिर ड्रोन्स निकालते हैं, और फोटोज निकालते वक्त इनके आसपास कोई नहीं रहता, इसलिए हम इन्हें किसी पता रहने वाले दूसरे चीज के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको जान के शौक लगेगा कि इनकी साइज असलियत में बहुत ही बड़ी होती है। इनकी लंबाई 3.3 फीट रहती है और इनका वजन लगभग 32 किलो रहता है, मतलब ये हमारे बेड के आधे साइज जितने बड़े है, और इनका वजन पिछले फैक्ट में दिखाए वॉम्बैट जितना है। चलो अब हम जानवरों को छोड़ के यूरोप के म्यूजियम में चलते हैं, जहाँ पे रखे चीजों की महत्वता इनके साइज से काफी बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं मोनालिसा की तस्वीर की, जो असलियत में आपके सोच से बहुत ही छोटी है, और दूसरा है स्टैचू जो बहुत ही बड़ा है। माइकल एंजेलो नाम का स्टैचू इटली के फ्लोरेसेंट में स्थित एकेडेमिया गैलरी में स्थित है। इस स्टैचू को आपने कहीं ना कहीं तो जरूरी देखा होगा। 500 साल पुरानी ये डेविड की मूर्ति 17 फीट लंबी है, और इसके सामने हर नॉर्मल इंसान बहुत ही छोटे लगते हैं। अगर आप हमारी तरह थे जो इस स्टैचू को बहुत ही छोटे समझते थे, तो आप हमारा दर्द समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो ये दोस्त, अगर आप आज कुछ नया सीखे हो या फिर शौक हुए हो, तो आपको पता है कि आज आप स्पीक्स ऑफ वंडर पे थे। तो ऐसी अमेजिंग नॉलेज को अपने नाम करने के लिए, वो भी डेली या और वो भी फ्री नाम करने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारे साथ आपकी भी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।